और अभी दोस्तों हम खेत में पहुंच चुके हैं और ये देखिए दोस्तों ये जो भूकंप दिखाई दे रहा है ना, भूकंप नहीं वैक्यूम यार, वैक्यूम। हाँ यार सॉरी दोस्तों, हम भूल गए थे, मतलब वैक्यूम तो दिखाई दे रहा है ना। तो कहाँ रहेगा तुम्हारे सर में बाल, कहाँ रहेगा चपड़े गंजू? हाँ गंजा था। इधर मोहित भाई भी आ गए जो कि इनका डायलॉग है अब्बे आ रहे हैं अब्बे। क्यों प्रकाश भाई सही बोले ना, हुआ क्या? ये देखिए दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं और अभी दोस्तों हम लोग दमाने के लिए जा रहे हैं और ये देखिए दोस्तों बाइकों में एकदम खड़ा हो गया है, मतलब धान के सामने एकदम खड़ा हो गया है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग दमाते हैं धान। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और ये देखिए दोस्तों शाम का नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, बहुत ही तेज धूप निकला हुआ है दोस्तों। और अभी हमें जाना है अपने खेत में, मतलब जो दोस्तों हाथों से धान काटे थे ना हम लोग, उसी को बिटोरने जाना है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने खेत में डायरेक्ट धान बिटोरने के लिए दोस्तों, पही मारने के लिए, क्योंकि कल दमाया जाएगा ना। तो अभी चलते अपने खेत में और अभी दोस्तों हम अपने खेत में आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों ये जो धान दिखाई दे रहा है ना, इसी को हमें बिटोरना है दोस्तों और यहाँ से लेके वहाँ तक बिटोरना है। और एक ही खेत नहीं है दोस्तों, इससे बड़ा इसका डबल बड़ा वो देखिए दो खेत है दोस्तों, एक खेत उधर है और एक खेत उधर है, दोनों खेत का हमें बिटोरना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसको हम बिटोर देते हैं। ये देखिए दोस्त, विजय भाई धान बटोर रहे और देखो कितने जल्दी जल्दी बटोर रहे, लगता है विजय भाई को जरा घर का काम भी करना है। और ये देखो ये देखो कितने जल्दी जल्दी कर रहे विजय भाई, कितना सारे बिटोर दिए हैं और देखिए उधर से स्टार्ट किए एंडिंग से इतना पूरा अखा कर रहे, इधर भी कर रहे अभी और कर रहे। अभी आधा खेत तो हो चुका है कम से कम, आधा हो गया, आधा तो हो गया ना, ये साइड हो जाएगा तो आधा अखा हो जाएगा। हमने सिर्फ आपको मोबाइल दिया, अभी तक आराम नहीं किया। वही देखो अभी मैं आया उधर से घर से और अभी मोबाइल लेके देखो, अभी मोबाइल लेके देख रहा हूँ तो ये काम चल रहे थे। मगर आपका विजय भाई धान भी बहुत अच्छे से हुआ, देखिए धान कितना अच्छे से हुआ है। धान तो अच्छे से हुआ है। कौन सा धान है विजय भाई? हाँ लगता है, अच्छा देखिए भाई पूनम धान है, इसका चावल तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ चावल खाने में भी अच्छा रहता है, एकदम नरम स्वादिष्ट। इसका बिरयानी बन जाए तो मजा आ जाए, बिरयानी बन जाए तो मजा आ जाए। ये देखिए धान इतना स्वादिष्ट, धान किधर मिलेगा क्या? देखिए गाइस विजय भाई इतना फास्ट कर रहे कि आज तक मैंने देखा नहीं इतना फास्ट करते किसको। हाँ सच में विजय भाई, सच में देखिए विजय भाई इतना फास्ट कर रहे क्या क्या ही बोलूं। देख लिया अभी इतना पूरा करेंगे फिर इधर से स्टार्ट करेंगे। देखिए विजय भाई ये जो आप लाइन से कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? ये जो लाइन से काटा है पही बोलते हैं। हाँ पही, ये देखिए गाइस एक कम से कम इतना सारा पही तो खलास कर दिया अभी ये कितना है, बहुत पही हो गया, अभी सिर्फ ये लाइन का छोड़ा है और बाकी अभी इधर से स्टार्ट होगा। वो खत्म होने वाला है क्या? नहीं ये देखिए इतना, हाँ खत्म तो होने वाला है, ज्यादा है। हाँ अभी जितना आपने किया उसको आधा और चाहिए। अच्छा अभी आधा करना पड़ेगा। हाँ भाई आधा करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं कर लेते हैं ना। हाँ फास्ट करेंगे तो और सही रहेगा। देखिए हम लोग ने जो सामने दिख रहा है ना मंदिर, हाँ? वो बाबा का स्थान है, हाँ? उधर ही हम लोग ने समोसा चैलेंज ब्लॉग बनाया था, देखा दिख रहा है ना एकदम अच्छे से। हाँ, अभी कल बनाए थे हम लोग। हाँ, हाँ वो देखिए वो झाड़ के पीछे, वो देखिए जूम करके देखा, वो देखिए थोड़ा जूम करके देखा, देखिए झाड़ और ये बाबा के स्थान का गेट। चलिए अभी विजय भाई कितना जल्दी जल्दी कर रहे, विजय भाई से तो हम लोग दूर ही होते जा रहे हैं, विजय भाई फास्ट करते जा रहे। विजय भाई हाँ बोलो, अभी इतना होने के बाद आप किधर जाओगे? उधर देखो पूरा खेत पड़ा है, उधर भी करना है। अच्छा उधर का भी करना है। देख ले ये मेरा दोस्त है मेरे साथ आया इधर, उसके हम लोग की साइकिल इधर खड़ी थी, साइकिल से आए विजय भाई को देख के हम लोग साइकिल निकल को छोड़ के आ रहे इधर। सबका तो नाम आपको पता है, चंदन और वो शर्मा जी, पता शर्मा जी छोटू भाई, वो भी मस्ती में एकदम अच्छे है ना, अच्छे है ना, सभी लोग सबके साथ अच्छे, सबके साथ अच्छे। अभी देखिए ये एक पार्ट, ये देखो ये एक पार्ट है
दो पहाटा और तीन पहाटा, इतना सिर्फ है चार पहाटा, फिर बाकी इधर का हिस्सा निकलर। अरे विजय भाई देखिए इधर का दो पहाटा छूट चुका है। अच्छा पहले घर का बिटोर ले। हाँ और अभी दोस्तों इस खेत का धान हमने बिटोर दिया है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छे से बिटोर दिया है दोस्तों, और काफी ज्यादा मेहनत लगा ना छोटू भाई। हाँ भाई हाँ। तो अभी चलते हैं दोस्तों घर पे, कोई काम पड़ गया है तो चलते हैं, सबसे पहले घर का काम कर लेते हैं। और अभी दोस्तों हम खेत में पहुंच चुके हैं, और ये देखिए दोस्तों ये जो भूकंप दिखाई दे रहा है ना, भूकंप नहीं वैक्यूम यार, वैक्यूम। हाँ यार सॉरी दोस्तों हम भूल गए थे, मतलब वैक्यूम जो दिखाई दे रहा है ना इसी से धान दबाया जाएगा। और ये देखिए दोस्तों हमारे शर्मा जी भी आ गए हैं दबाने के लिए, और अभी आप सबको हम पीछे से दिखाते हैं, ये देखिए इसी से दबाना है दोस्तों। और ये देखिए ये रहा हमारा धान का पही जो कि एकदम अच्छे से गोलिया दिया गया है, और कल वाला वीडियो आप सबको यहीं पर दिखाया था दोस्तों, जो कि यहाँ पर बहुत ही सारा धान था और इस समय तो खत्म हो गया है, और ये टट्टर रहा दोस्तों। तो चलिए जब दबाने का स्टार्ट करते हैं तब आप सभी को दिखाते ना रोहित भाई। हाँ भाई। और इधर देखिए दोस्तों कितने सारे लोग हो गए हैं, ये देखिए शर्मा जी भी है, इधर मोहित भाई भी आ गए, जो कि इनका डायलॉग है अब्बे आ रहे हैं अब्बे। क्यों प्रकाश भाई सही बोले ना। उधर हमारे गोलू भाई भी आ गए है, थोड़ा गोलू भाई शर्मा रहे हैं, देखिए क्यों शर्मा रहे भाई, उनको शर्म लग रहा है वीडियो में। हाँ तो अभी जा रहा है वैक्यूम चालू होने के लिए, और अभी दोस्तों हम लोग दबाने के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों वैक्यूम एकदम खड़ा हो गया है, मतलब धान के सामने एकदम खड़ा हो गया है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग दबाते हैं धान को, और ये देखिए हाँ। सब कोई रेडी है दबाने के लिए, दबाने के लिए रेडी हो ना। लेकिन अब नहीं नहीं अब वाला सिस्टम नहीं, खड़ा हो गया है दबाना पड़ेगा। पल्ली उल्ली लग गया दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग दबाते हैं। मेरा फेवरेट डॉलॉग अब ये दोस्तों हमारे मोहित भाई को चिटका रहे हैं अबे आई था, हमारा डायलॉग है। क्या हुआ कैमरा मैन भाई, उधर उधर लगाएंगे मस्त, उधर लगाएंगे। हुआ क्या, हुआ क्या, ये देखिए दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं, देखिए अपने में मजाक कर रहे हैं। टोपी हमारे हाथ में आ गया, अब नहीं दे पाएंगे, रहने दे भाई रहने दे। वो आ रहे मोहित भाई टोपी लाने के लिए, ये लीजिए ये ले जिए। तो कहाँ रहेगा तुम्हारे सर में बाल, कहाँ रहेगा चपड़ गंजू। हाँ गंजा था। और अभी दोस्तों वैक्यूम चालू होने जा रहा है, हम लोग दबाने जा रहे हैं, दबाने जा रहे हैं, तो जब वैक्यूम चालू होता है तो आप सभी को दिखाते हैं। अभी दोस्तों धान दबा के खत्म हो गया, और ये देखिए दोस्तों जो हम बेली लेके आ रहे हैं ना वही खा रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले खा लेते हैं। और अभी दोस्तों धान दबा के खत्म हो गया है, और ये देखिए दोस्तों जो मशीन यहाँ पर था मशीन भी चला गया अपने दूसरे जगह के दाने के लिए, और ये देखिए दोस्तों इतना सारा धान निकला है, ये 2.5 बीघा का धान है दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों। और उधर देखिए पैरा का खरही लग गया है, जो यहाँ पर धान के पहले खरही था ना, और अभी पैरा का खरही लग गया है। तो चलिए दोस्तों अभी धान वन ढोना, तो सबसे पहले भर लेते हैं उसको, हम लेके चलते हैं घर। और अभी दोस्तों धान को लेके चल रहे हैं हम घर पे, वो देखिए दोस्तों वहाँ पर धान भरा जा रहा है, तो अभी हम लोग लेके चलते हैं घर पे। और अभी दोस्तों खेत से ला के सारा धान घर पे रख दिए हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा अच्छे से एकदम बोरा को तही मार दिए हैं अच्छे से दोस्तों, और इतना ही धान निकला है, और थोड़ा बहुत और बचा है तो वो आ जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं,
अगर आप सभी को हमारे छोटे से ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम मिलते हैं आप सभी से किसी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।